ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, क्लास 9 केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? एक चीज़ तो कंसंट्रेशन एक तो होता है लाइक जिसको गौर फिकर कहते हैं, वो कहता है ना कि हमें लेक्चर पर कंसंट्रेट करना चाहिए या हमें कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। तो एक तो वो कंसंट्रेशन है गौर फिकर, और एक कंसंट्रेशन होती है केमिस्ट्री के अंदर इर्तिकास। और वो कंसंट्रेशन क्या होती है भाई कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट या डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हम किसे कहते हैं कि सॉल्यूट की जितनी मिकदार सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होती है उसको कहा जाता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन असल में है क्या कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर आपने कितना सॉल्यूट डिजॉल्व किया है। अब कंसंट्रेशन को बताने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे किचन में जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो किचन में वर्क करते हुए हम कंसंट्रेशन बताते हैं टेबल स्पून और टी स्पून से, है ना, कि खाने का चम्मच और उसके अलावा जो है वो चाय के चम्मच के 2 टीस्पून जो है वो आप नमक डाल दें या 2 टीस्पून आप पीसी मिर्च डाल दें या 3 टेबल स्पून आप जो है वो शुगर डाल दें। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे होते थे, उसमें हम बता रहे होते थे कि सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट ऐड करना है। तो वो टेबल स्पून और टी स्पून से आपने देखा होगा कभी रेसिपी वगैरह बता रहे होते हैं तो उसमें बता रहे होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि हम टेबल स्पून और टी स्पून की बात नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर हम कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम डिफरेंट तरह के और यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर हम मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंपोजिशन, इन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम ये डिस्कस नहीं करते कि भाई एक बीकर पानी के अंदर आप 2 चम्मच HCl डाल दें सोल्यूशन बना लें, ऐसा नहीं करते कि 2 टेबल स्पून 2 टीस्पून डाल दें, ऐसा नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि आप HCl का 0.1 मोलर सोल्यूशन तैयार कर लें। तो वहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर हम यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में डिफरेंट कुछ कंसंट्रेशन के यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से फर्स्ट हमारे पास है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से भी शो किया जाता है, यह कैपिटल M जो है वो इसकी यूनिट है। मोलैरिटी स्मॉल M से इसको शो करते हैं हम। मोलैरिटी के डेफिनेशन को भी हमें करना है कोर्स में, मतलब न्यूमेरिकल्स को करना है, मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स को भी आपको सॉल्व करना है। और एक है नॉर्मैलिटी, कैपिटल N से शो होता है। नॉर्मैलिटी हम क्लास 9th में नहीं करते हैं, क्लास 1st ईयर में 11वीं जमात में आप इसको डिस्कस करते हैं। 10 है, 4th इसके बाद है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को X से शो किया जाता है, इसके न्यूमेरिकल आज हम करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन को परसेंटेज से शो किया जाता है, और इसके जो है वो MCQs नॉर्मली पेपर में आस्क किए जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं होता उसका। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को न्यूमेरिकल्स को हमें डिस्कस करना पड़ता है कि किस तरह से ये कंसंट्रेशन को बता रहे होते हैं सॉल्यूशन की। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, आज का जो लेक्चर है वो मैं आज आपको मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स को कराना सिखाऊंगा कि किस तरह से मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स को केमिस्ट्री में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी इतनी चीज़ें लिखते हैं पहले। तो बच्चे सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं, जिसको एक्स से डिनोट किया जाता है। तो बेटा इसके 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, इसके 2 फॉर्मूले हम एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं। एक हमारे पास होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और दूसरा हमें निकालना होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सेकंड हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एक सॉल्यूट का निकालते हैं और एक सॉल्वेंट का निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन के अंदर किया क्या जाता है कि ओवरऑल सॉल्यूशन का मोल हम 1 सपोज कर लेते हैं, और उसको 1 सपोज करके मोल मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस निकाल लेते हैं कि अगर ओवरऑल सॉल्यूशन 1 मोल का है तो उसमें मोल सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं और सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं। दैट्स व्हाई इसको मोल फ्रैक्शन कहा जाता है कि 1 मोल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को निकालने का कि आपने ऊपर रखना होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और आप उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपके पास
फॉर्मूला आ गया मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो जैसे आपको न्यूमरेटर में ऊपर वैल्यू मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कर देना है, बाकी नीचे सेम रहेगा जैसे ऊपर है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब इसमें अगर आप इसको देखो ना तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड और काफ़ी बड़ा फॉर्मूला लग रहा है ना हमें, तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कंडेंस करके शॉर्टकट में लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग शो कर देते हैं एक्स ए, इसको हम एक्स ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और ये एक्स ए जो है वो बराबर हो गया किसके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को स्मॉल एन से शो किया जाता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यही चीज़ मैंने लिख दिया है लेकिन इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। सही है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन ए, नीचे मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन ए प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट मतलब एन बी। अब नीचे इसको भी चेंज कर देते हैं, ये एक्स ए था तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, एक्स बी, ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है नोमिनेटर में एन बी, और नीचे क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो कोशिश करेंगे बल्कि हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट में ना, इतना बड़ा लिखने में थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, हम उसको शॉर्ट में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इस सवाल की एक और खासियत होती है इस तरह के न्यूमेरिकल्स की कि हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, हमें खुद ही पता लग जाएगा कि इसका आंसर हमने ठीक निकाला है कि नहीं, हमें आस पड़ोस के बच्चों से पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा आंसर क्या है तुम्हारा आंसर क्या है, इसका आंसर हमें खुद ही भी पता लग जाता है कि इसका आंसर कैसे सही आएगा। हम इसके अंदर वेरिफिकेशन कर लेते हैं, और वेरिफिकेशन से क्या मुराद है कि जब भी आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन दोनों को आप जब भी ऐड करोगे तो उसका आंसर हमेशा वन के बराबर आता है। ये इसकी वेरिफिकेशन, इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पहले आपको न्यूमेरिकल नंबर वन, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, पहले क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ कि फाइंड आउट, सवाल इस तरह से आता है पेपर में कि फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मालूम कीजिए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट व्हेन 25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, इसको हल किया जा रहा है, डिजॉल्व किया जा रहा है इन 75 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है भाई, ये ऐसा सवाल आता है कि बस मोल्स चेंज कर सकते हैं सवाल के अंदर कि 25 मोल सॉल्यूट को 75 मोल सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व करेंगे तो बताइए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा। जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं हम तीन काम करते हैं, या सबसे पहले हम जो है वो डेटा बनाते हैं, डेटा के अंदर हम देखते हैं कि गिवन क्या है। ठीक है, गिवन क्या है हमें, तो गिवन हमारे यहाँ पर मौजूद है मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या बोल सकते हैं एन ए, ये कितना है भाई 25 मोल्स है, एम ओ एल लिखते हैं यूनिट मोल्स की। उसके बाद हमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम लिख सकते हैं एन बी, और ये कितना है 75 मोल्स गिवन है। ठीक है, इस इज गिवन 75 मोल्स। अब मालूम का आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो पहले हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स ए, ये मालूम करना है क्वेश्चन मार्क लगा लिया, और नेक्स्ट हमें मालूम करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया एक्स बी, तो एक्स ए एक्स बी हमेशा जोड़ी में आएगा, एक्स ए भी मालूम करना पड़ेगा एक्स बी भी मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन की, किस तरह से हम इसके सॉल्यूशन करेंगे, सो लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ इट। तो मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो दो पार्ट्स में करना है ना इसको, तो आप चाहे तो साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, टॉप बॉटम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर एक एक करके चलो कर लेता हूं, पहले सॉल्यूट के कर लेता हूं फिर सॉल्वेंट के कर लेता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट हम करते हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, एक्स ए बराबर किसके हो गया एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए हमारे पास है 25 अपॉन 25 प्लस 75, ये हो जाएगा 25 अपॉन 100, और एक्स ए कितना आ गया आपके पास 0.25, आप इसको करोगे कैलकुलेटर से आपका आ जाएगा 0.25। ठीक है बच्चे, आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ये आपके पास सॉल्यूट बी, अब हम मालूम करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स बी, ये बराबर किसके हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए एन बी है आपके पास 75 अपॉन 25 प्लस 75, ये आ जाएगा 75 अपॉन 100,
तो एक्स पी कितना निकल जाएगा 0.75। तो ये हमारे पास एक्स ए भी आ गया और एक्स पी भी आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक निकला कि नहीं निकला। यहाँ वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होता है, एक्स ए और एक्स बी दोनों को ऐड करना होता है, वन के बराबर आना चाहिए। एक्स ए कितना आया 0.25, एक्स बी कितना आया 0.75। तो आप इसको करो, वन के बराबर आ रहा है, तो वन इक्वल टू वन हो गया, तो मतलब आंसर जो हो गया वेरीफाइड एंड दिस इज योर आंसर। ईजी है, समझ में आया कैसे हुआ, क्लियर, लिख लो उसको।